हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं आया हूँ जूस पीने के लिए। सुबह सुबह कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। मेरे को अच्छा लगता है जूस पीना खाली पेट। एक तो रगड़ चुका हूँ, दूसरे की बारी है। तो आज का प्लान मैं बताता हूँ आपको, घर चल के क्या प्लान है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या प्लान है। निकलेंगे घर से तभी पता लगता है कि कहाँ पे जाना है। तो चलो अभी जूस पीते हैं, फिर चलते हैं। टाइम दोपहर का ही हो रखा है, पता नहीं मेरे को घड़ी घड़ी है नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, फोन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जूस पीते हैं निकलते हैं, थोड़ा सामान भी लेके आना है। ये आ गया अपना होटल और यहीं पास में भी जूस की दुकान। ना तो निकलते हैं, मैं अब खाऊंगा तो कुछ हो नहीं, क्योंकि जूस पी लिया, जूस का दो गिलास ओके रिपोर्ट है। अब 3-4 घंटे निकल जाएंगे। पहुंचे हैं आउटलेट विलेज। ये भी मॉल है, बहुत ज़बरदस्त, आपने देखा होगा लास्ट हम आए थे। और बस टाइम नहीं मिला यार उधर वीडियो बनाने का, घर पे जल्दी जल्दी बस तैयार होकर निकले ही हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं। आप आज आप इस मॉल को भी अंदर से देख लेना, वैसे एक बार आपको दिखा रखा है लेकिन आप फिर देख लेना। चलते हैं यार। और यहाँ पे भी गाड़ियाँ एक से एक लगी होती हैं, एक से बढ़कर एक। कोई भी देखो गाड़ी तगड़ी से तगड़ी लगी होती है। और ये अपने घर से है 1 घंटे की बात है भाई मतलब 1 घंटे की दूरी पे है ये। के गेट, ये 6th एंट्रेंस है, ये है 7th एंट्रेंस। हम मतलब इस वक्त मैं बिल्कुल लास्ट एंट्रेंस पे हूँ, बिल्कुल लास्ट। अब यार अंदर ना मैं ना वैसे वीडियो नहीं बनाता, पूछ के बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि ना यार किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, अरबी लोग हैं सारे, तो मैं हमेशा पूछ के बनाता हूँ वीडियो की। कोई टेंशन तो नहीं है, अगर है तो थोड़ा साइड में हो जाए, मेरे को बनाने दो वीडियो, ऐसे करके बनाता हूँ। ये देखो, पहले मैंने कहा वॉशरूम चला जाऊँ, यहाँ कैसे भाई बंद होगा, ये बंद होगा ये भाई। ये ऐसा नहीं लग रहा कि आधा अधूरा ही है अभी, सफेदी सफुद्दी होनी बाकी है। ऊपर पेंट पोंट मार दो इसके, अलग ही है। खाली ईंटे सीमेंट के साथ ही बना दिया इन्होंने, तो सारा ही मॉल ऐसा अधूरा अधूरा सा है, लेकिन लुक अच्छी आ रही है इसकी। ओ भाई ऐसे ऐसे बना, वो फुरला फुरला भाई शुरला फुरला। बस अब इस मॉल से निकल रहे हैं, निकलते हैं। और मैंने आपको बताया सुबह से सिर्फ और सिर्फ जूस पिया हुआ, देख लो यार कुछ नहीं खाया। और मॉल भी बहुत बड़ा है, अभी भी पूरा नहीं घूमे हम भाई। हम आ गए हैं रिवर लैंड, रात को खैर लेट हो गया है, अब पता नहीं खुला होगा नहीं होगा, टिकट लेके देखते हैं। मॉल के साथ ही था, मैंने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं यार 1 घंटे की दूरी है, चक्कर लगे ना लगे। रिवर लैंड, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, जा कोई नहीं जा, सारे आ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं घुस गया भाई? बस ये है कुछ नहीं है, बस ये झूले झाले की जगह है बच्चों के जो होते हैं एडवेंचर वाले। मैं आ गया देखो, ऐसा है कुछ सही चीज़ है। यहाँ से बंदे फोटो फोटो भी वगैरह खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे ये है, जगह तो बढ़िया यार ये भाई। ऑलमोस्ट ये भी बंद हो चुका है, हम मेरे को लग रहा है गलत टाइम पे आ गए। बस कुछ कुछ बंदे हैं अड़े हुए जो बोलते हैं हमने जाना नहीं है निकलना नहीं है, वैसे वैसे बंदे हैं हमारे जैसे। गलत पार्किंग से आ गए थे बंदे, जा रहे थे और वहाँ से अंदर आ रहे थे। चलो यार ये भी, ये रिवर है सारी, ये रिवर लैंड है ये सारा है यार। यहाँ पे चल रही है पार्टी, अ अ ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं पूरी बढ़िया। और यहाँ से मोस्टली सारा कुछ बंद हो चुका है, तो मैंने कहा कि नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम निकलते हैं यहाँ से, कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब हमने कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, कोई शॉप ही नहीं खुली हुई, कुछ खाने पीने का ही नहीं है यार। खाने से ज़्यादा है भाई, कुछ नहीं खाया यार, जूस ही रगड़ा हुआ है और बिस्किट का एक पैकेट खाया हुआ है बस, और कुछ नहीं खाया, पता भी नहीं लगता यार। और मेरे को रोज़ इतना इतना खाया जाता हूँ। अभी देखो चलते हैं कहीं पर खाने के लिए, निकलते हैं यहाँ से बस अब तो। मैं तो वैसे ही आ गए थे यहाँ पे घूमने के लिए, रिवर लैंड, ये रिवर है, इसके सामने आस पास झूले झाले लगे हुए बच्चों का, ये सारा कुछ है। मुझे एक चीज़ तो पता लग रही है, अगर यहाँ पे आना है ना तो थोड़ा दिन में आना चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे कहीं नहीं गए आपके। 11 बजे बंद होने का टाइम है, अभी 9:30 बज चुके हैं, तो नहीं मैं निकल रुका हूँ अभी पॉपकॉर्न खाने के लिए, मैं पॉपकॉर्न ले लिया जाए तो सब निकलते हैं। है बहुत कुछ, जिनसे पॉपकॉर्न लिया ना उन्हीं से पूछा, कह रहे बहुत कुछ है घूमने के लिए फ्री में, बहुत कुछ है कह रहे, लेकिन आप लेट हो गए हो, तो सारा जो फ्री में घूमने वाला है ना वो भी बंद हो रहा है, और अब इसका फ्री में नहीं है, ये भी चार्ज करेंगे 20 दिरहम चार्ज करेंगे। चलो ठीक है, चलो भाई रिवर लैंड गुड बाय, फिर कभी मिलेंगे अब तो, बाय बाय। यार ये देखो, ये भी गाड़ी है 3 टायर वाली, स्पेशल आए हो बनाने के लिए।
वीडियो है नहीं अजीब सी, यहाँ चलती है। ग्यारह के पक्के अड्डे आ गए, पंजाब पहुँच गए दुबई तो। आज खाना नहीं खाऊंगा, आज सिर्फ सूप पीऊँगा यार। वेटिंग ही बहुत चल रही है बाहर तो, वेटिंग होती है भाई यहाँ बैठ जाते हैं बंदे, हम यहाँ बैठ जाते हैं। चलो फिलहाल वेटिंग होती है ना, पीछे देख लो बंदे बैठे हुए हैं, इट मीन्स वेटिंग है। तो चलो नाम लिखवाने के लिए दिखाओ, फिर उसके बाद अंदर जाके खाओ। आज सिर्फ सूप पीऊँगा यार, मेरा खाने का दिल ही नहीं है, क्या खाना अभी फ़ायदा नहीं है। आ गए अपन अंदर, आज सबसे लास्ट वाली सीट मिली है, मैंने कहा जो मिलगी बस मिल जाए। सूप ऑर्डर किया है और आप ये देख रहे हो पीछे जो पड़े हुए स्पंजी रसगुल्ले, ये जो भी है रसमलाई वगैरह, ये 20-20 दिरहम की एक एक पीस होते हैं, हिसाब लगा लो 24 से 24.5 से कितने का होता है एक पीस 20 दिरहम का। मैं तो भाई खाता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से होटल। आज नींद बहुत आ रही है, लग रहा है एडिट पता नहीं रात को करूँगा या सुबह करूँगा, ये भी नहीं पता। अपना भाई मनचाओ सूप आ गया। और आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, चाहे आप 1 मंगाओ फुल बाउल तो भी इतना आता है, चाहे 1:2 मंगाओ 1/2 तो भी इतना ही आता है, तो 2 में आ जाता है, तो हम भाई फ़ायदा लेते हैं 2 में मंगाते हैं भाई। भाई निकल रहे हैं अभी यहाँ से, खा भी लिया। हाँ अंदर बिल्कुल ठंड थी, बाहर गर्मी इतनी नहीं है, सेटिंग भी है। जंक्शन लगा हुआ था अंदर पठानकोट का, ये वाला बना होटल है, इसमें लाइट चल रही है, लेकिन हम घुमा के आ रहे हैं भाई तेरे पास। ठीक है हम पहुँच गए हैं बेसमेंट में, अब चलते हैं ऊपर और लेते हैं आपसे विदा आज के लिए। एडिट करने बैठ गया था यार, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, सपोर्ट करते रहो जैसे आप कर रहे हो, करते रहो।